संसद के मॉनसून सत्र का आज से आगाज हो रहा है। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में, लेकिन इस बीच सरकार की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस पर क्या कहा, सुनिए। सब्जेक्ट पे चर्चा करने के लिए मौका देंगे, लेकिन ये उसी वक्त मालूम होगा जिस वक्त ये नोटिसेस आएंगे, ये सब्जेक्ट सामने आ गए सदन के सामने, कितना रिस्पांस गवर्नमेंट से मिलेगा उसी वक्त इसका तालमेल होगा। क्वेश्चन ये है कि कौन से इश्यूज पे कौन से पार्टियां एकजुट होके आते हैं और कौन से पार्टियों को किस सब्जेक्ट पे ज्यादा इंटरेस्ट है, ये भी है। इसीलिए हम ये कोशिश करेंगे कि सबको लेके जाने का, और जैसा कि शरद पवार साहब आए थे, टीएमसी के भी आए थे, डेरिक ओवर आए थे, हमारे नेता वो भी लोग आए थे, और बाकी के सभी पार्टी के शिवसेना के नेता आए थे, तो ये सभी नेता लोग वहां हाजिर थे। तो हमने ये व्यू लिया है कि उन सब्जेक्ट के ऊपर हम बहस करेंगे जो जनता को आज के लिए जरूरत है। सार्थक चर्चा होना चाहिए, स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, और जो ट्रेडिशन है, परंपरा है डेमोक्रेसी का, वो मन में रखते हुए जो मुद्दा उठाना चाहते हैं, नियम और प्रक्रिया के तहत से वो सभी चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। ऐसे बहुत बहुत मुद्दे उन लोगों ने उठाया है, और स्ट्रक्चर डिबेट के लिए जो नोटिस देना चाहिए बीएसी में, माननीय स्पीकर और चेयरमैन जो अनुमति देता है उसका चर्चा होता है, हम तो इनकार नहीं कर रहे हैं, और इससे पहले